इस समय मौजूद है हम मुमरा बाईपास पर और आप यहां देख सकते हैं कि एक टेम्पो जो है यहां पर पलटी हो गया है। आपको बता दें कि बाईपास को लेकर जो है लगातार मुमरा शहर के जो स्थानीय नेता हैं वो लोग इस बाईपास को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं कि कई बार इस बाईपास पे जो अब तक 117 लोगों से ज़्यादा इस बाईपास पर नौजवानों की मौत हो चुकी है, लेकिन हादसों का सिलसिला अभी भी जारी है। लगातार जो है इस बाईपास पर हादसे हो रहे हैं। आज फिर यहाँ पर एक टेम्पो देख सकते हैं आपकी जो है पलटी हो गया है। ये जो डिवाइडर है ये डिवाइडर को तोड़ते हुए ये टेम्पो जो है यहाँ पर पलटी हो गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि जिस तरह से ये बाईपास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक टर्निंग मोड़ है और ये इस मोड़ पर जो है इस चालक ने जो है अपना नियंत्रण खो दिया और इस डिवाइडर को तोड़ते हुए जो है इस ये टेम्पो जो है यहाँ पर पलटी हो गया है। फिलहाल जो चालक है उसे चोटें नहीं लगी है और वो टेम्पो छोड़कर जो है यहाँ से फरार हो गया है। जो यहाँ के एक चश्मदीद है जिन्होंने इस हादसे को देखा है, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। क्या नाम है आपका? राहिल नाम है मेरा। कैसे जब ये हादसा हुआ था तो आप यहाँ पर थे? मैं वहाँ खड़ा था, ये फुल स्पीड में आया वहाँ से और एक ओला ड्राइवर उसके आगे चल रहा था, उसको ओवरटेक करने गया। ओला वाले ने आवाज़ दिया कि रुक जा भाई नहीं जाएगी, लेकिन उसने फुल स्पीड में लाया, पहला वहाँ से ठोका, फिर जोर जोर से एकदम फुल स्पीड में था, उसके कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट लेके घुस गया वो। घुसने के बाद गाड़ी उसकी पलटी हो गई, निकला और भाग गया। तो चालक को चोट लगी थी? कुछ भी नहीं हुआ उसको, निकला और डायरेक्ट भाग गया उसको कुछ भी यानी नहीं हुआ। वो काफी स्पीड में वो था, इसके पहले भी किसी गाड़ी को उसने टक्कर मारी थी? एक खाली ओला वालों को टच किया उसने, वो बच गया। ओला वाले ने कट मार के उसको निकालने के चक्कर में ओवरटेक में घुस गया। तो ओला वाला क्या उसको रुकाने की कोशिश कर रहा था क्या ऐसा? हाँ, ओला वाले ने आवाज़ दिया मत भगा इतनी जोर से नहीं जाएगी, तो उसने नहीं सुना, उसको टच करते हुए घुसा दिया उसने गाड़ी। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो ये चश्मदीद है इनका कहना है कि इसने जो टेम्पो चालक था इसने सबसे पहले जो है इस यहाँ पर एक ओला टैक्सी को जो है टक्कर मारी। हालांकि टक्कर मारने के बाद ओला चालक ने जब इस टेम्पो चालक को रोकने की कोशिश की तो इसने अपनी स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी और स्पीड तेज़ होने की वजह से आप देख सकते हैं ये जो एक मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट है, यहां पर इस जो है टेम्पो चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये डिवाइडर है आप देखें, ये डिवाइडर है, यहाँ से जो है ये टेम्पो जो है इसमें टक्कर हुई और टक्कर होते हुए जो है ये टेम्पो बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पर पलटी हो गई। आप देख सकते हैं कि ये डिवाइडर तोड़ते हुए किस तरह से जो है ये टेम्पो यहाँ पर जो है पलटी हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से ये टेम्पो जो है यहाँ पलटी हुई है। हालांकि जो इसका चालक था वो बाल बाल बच गया है, उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है, लेकिन टेम्पो पलटी होते ही जो है चालक जो है यहाँ से फरार हो गया है। और देखिए किस तरह से ये हादसा तो काफ़ी भयानक था। इस बाईपास पे जो है लगातार इसी तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि जो टेम्पो था ये ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी भंगार का जो है कुछ सामान लेकर जा रहा था, क्योंकि जो वजन करने वाले जो होते हैं वो सामान यहाँ पर मौजूद है इस टेम्पो में, यानी कि जो है ये 10-10 किलो के जो वो बाटा है वो यहाँ पर मौजूद है और कई ऐसे 10-10 किलो 20-20 किलो के जो बाटे इस टेम्पो में रखे हुए थे। हालांकि काफ़ी वजन रहा होगा ये, और इसी टेम्पो चालक ने जो है काफ़ी स्पीड यहाँ पर की और अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।